Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. एक छोटी सी कटोरी में आटे को पानी, नमक और तेल के साथ अच्छी तरह गूंथकर नश्वा ने एक नरम पेड़ा तो बना लिया था, लेकिन अब इसे बेलने के लिए उसे चकले की जरूरत थी, जो उसे मिल नहीं रहा था। वो चाहती तो पूरे बावर्ची खाने को उलट पलट कर देख सकती थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि रात के इस पहर अगर उसने दराजों की तलाशी ली तो खटखट से जरूर कोई ना कोई उठ जाएगा। लिहाजा नश्वा ने अपनी हथेली पर पेड़ा रखा और उंगलियों से उसे फैलाकर पराठा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मगर वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। पराठे के नाम पर बिचारी नश्वा से जो शाहकार बना वो किसी अनजान मुल्क का टेढ़ा मेढ़ा नक्शा था। बच्चे चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाएं, कुछ चीजों के लिए माँ चाहिए ही होती है ना? ये जुमला सुनते ही नश्वा ने पलट कर देखा तो उसकी अम्मी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उनको देखकर नश्वा ने पूछा, माँ बेलन के बिना पराठे कैसे बनते हैं? नश्वा की अम्मी ने उसके हाथ से पेड़ा लिया और बड़ी महारत से थप थपाकर एक चुटकी में पराठा तैयार कर लिया और नश्वा देखती ही रह गई। वाओ माँ, आपका कोई जवाब नहीं, नश्वा ने दांत देते हुए कहा। मैं और तुम्हारे बाबा पिछले 25 सालों से यहाँ इंग्लैंड में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। हम ऐसे ही तो शेफ नहीं बन गए ना? नश्वा की अम्मी ने पराठे के बीच मसाला भरा, किनारे मोड़े और तवे को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हुए पूछा, वैसे आज मेरी अंग्रेज बेटी को पंजाबी पराठा कैसे याद आ गया? माँ आपको याद है, क्लास 3 तक आप मुझे रोज लंच में आलू का पराठा पैक करके देती थी। हाँ बिल्कुल, और मुझे वो दिन भी याद है जब मैं सुबह उठी तो तुम अपने लंच के लिए पीनट बटर और जेली सैंडविचेस बना रही थी। उस दिन से तुमने सैंडविचेस खाना क्या शुरू किए, देसी चीजें जैसे खाना ही भूल गई, नश्वा की अम्मी ने पराठे पर देसी घी लगाते हुए कहा। नश्वा उछल कर बावर्ची खाने के काउंटर पर आराम से बैठ गई और बोली, जब मैं स्कूल में अपना लंच बॉक्स खोलती थी तो सारे बच्चे मुंह बनाकर मुझसे दूर जाकर बैठ जाया करते थे। उन्हें पराठों से आने वाली देसी घी की इस खुशबू से नफरत थी। कोई मेरे साथ नहीं खेलता था, मैं हमेशा अकेले बैठती थी, पर जब मेरे लंच बॉक्स में सैंडविचेस आए तो साथ बैठने वाले दोस्त भी आ गए और शायद मैं उसी दिन से पूरी अंग्रेज बन गई। मैं हर देसी चीज़ से चिढ़ने लगी थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब कभी मैं उदास होती, कभी नंबर अच्छे नहीं आते या किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती तो रात को मैं इसी तरह किचन में आती, अपने लिए पराठा बनाती और फिर बड़े मज़े से काउंटर पर अकेले बैठकर खा लेती। पता नहीं क्यों, मगर पराठा ही वो वाहिद चीज़ थी जिसे खाकर मेरा मूड फौरन ठीक हो जाता था। उस पराठे से मुझे आपके दुपट्टे की खुशबू आती थी। ऐसा लगता था जैसे बाबा ने शफकत से अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया हो। मेरे सारे आंसू, सारा गुस्सा, सारा खौफ और सारी थकन चुटकी में गायब हो जाती थी। लगता था चाहे जो भी हो जाए मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नश्वा की इस बात पर पराठे को दूसरी तरफ पलटते हुए उसकी अम्मी ने कहा, मुझे तुम्हारी इस मासूम आदत के बारे में सब पता है। वो कैसे अम्मी, नश्वा ने हैरत से पूछा। वो ऐसे कि हर बार किचन में तुम जो चीजें फैलाकर चली जाती थी उन्हें सुबह साफ तो मैं ही करती थी ना। इस पर दोनों हंसने लगी। वैसे आज किस लड़ाई के नाम पर पराठा बनाया जा रहा है? अपनी अम्मी के इस सवाल पर नश्वा ने उनसे नजरें चुराते हुए कहा, आज कोई खास वजह नहीं है माँ, बस ऐसे ही पराठा खाने का दिल चाह रहा था, पता नहीं क्यों। नश्वा की अम्मी ने चूल्हा बंद किया, गर्मा गर्म आलू का पराठा प्लेट में निकाला और फ्रिज से मक्खन निकालते हुए नश्वा से कहा, आज तुम्हारी लड़ाई खुद से है नश्वा। तुमने ऑफर लेटर एक्सेप्ट तो कर लिया है, मगर
तुम इस बात का फैसला नहीं कर पा रही हो कि इस नई जॉब में वो आलू पराठे वाली बात है या नहीं। आज तुम अपने बाबा की शफकत या मेरी ममता नहीं ढूंढ रही हो, तुम आज अपनी पहचान ढूंढ रही हो, वक्त हालात और जज्बात से लड़ रही हो। तुमने अपने लिए एक नया रास्ता, एक नया हदफ मुकर्रर तो कर लिया है, मेहनत भी कर रही हो, मगर बिना आमादगी और बिना दिलचस्पी के। नशवा चुपचाप अपनी अम्मी की बात बड़े गौर से सुन रही थी। फिर उसने जरा ठहर कर कहा, माँ मैं जानती हूँ इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पैशन नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। नशवा की अम्मी ने पराठे पर मक्खन लगाते हुए अपनी बेटी की बात सुनी और फिर प्लेट को नशवा के हाथ में देते हुए कहा, इस पराठे को देखो, ये अभी गर्म है, इसलिए जैसे ही मैंने इस पर मक्खन लगाया तो वो फौरन पिघल गया और सारी लज्जत सारा जायका लिए पराठे में जज्ब हो गया। लेकिन अगर यही मक्खन ठंडे पराठे पर लगाया जाए तो हम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, वो कभी जज्ब नहीं होगा। पराठा भी वही, मक्खन भी वही, मगर दोनों के जायके में जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारी जिंदगी भी इसी आलू के पराठे की तरह है। जब तक कोई भी काम खुशी और गर्म जोशी के साथ ना किया जाए, तब तक वो काम एक मुस्बत सोच, मुस्बत रवैया या मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकता। दिल का मुतमईन होना भी बहुत जरूरी होता है बेटा, वरना तो तुम तौसीक की तलाश में दूसरों से अपना मुवाजना और मुकाबला करती रह जाओगी और हासिल कुछ नहीं होगा। नशवा की अम्मी ने एक निवाला तोड़ा और प्यार से नशवा को खिलाते हुए कहा, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जिंदगी के हर लुक्मे को गर्म जोशी के साथ चखना चाहती हो या ठंडे पराठे पर लगे मक्खन की तरह ठहर जाना चाहती हो। इस सवाल के साथ अपनी बेटी के माथे पर बोसा देकर नशवा की अम्मी वापस अपने कमरे में चली गईं। नशवा कुछ देर तक काउंटर पर बैठकर अभी हुई गुफ्तगू के बारे में सोचती रही। फिर अचानक उसकी नजर पास रखे एक खाली ग्लास पर पड़ी और एक चुटकी में उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। इतनी सी बात मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई, ये कहते हुए नशवा ने फ्रिज से दही निकाला और उसे फेंटने लगी। पीनट बटर और जेली सैंडविचेस के साथ वो स्कूल में अक्सर चॉकलेट मिल्कशेक पिया करती थी, लेकिन ये फैसला उसने खुशी से नहीं मजबूरी में लिया था। मगर आज नशवा के सामने कोई मजबूरी नहीं थी। और सच तो यही है ना कि देसी घी में बने आलू के पराठे का मजा तो ठंडी मीठी लस्सी के साथ तो बाला होता है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।